बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हुआ हूँ लाहौर में, यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने कपड़ा लेना था, यहाँ से कॉटन लेनी है मैंने, शादमान से मिलती है। ये कपड़ा ढूंढने के लिए हमें बहुत टाइम लगा था, इधर उधर से मार्केट से मुख्तलिफ से पूछ कर फिर हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो अब एक कॉटन है, कोई स्लब है कॉटन में, वो स्पेशल किस्म की कॉटन है। ट्राउज़र बनते हैं इसके, शॉर्ट्स बनती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है हमारी, वो शार्ट्स में वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है तो कॉटन ही यूज़ होती है। तो वो लेने जा रहा हूँ, तो चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कपड़ा लेते हैं। मौसम चेक करें कैसा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा मौसम। नॉर्मली जब हम लाहौर में आते हैं तो सियालकोट से ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, लेकिन कल हम आए हैं रात को तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है। अभी सुबह उठे हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश है। अभी चलते हैं अंदरून लाहौर की तरफ, शादमान की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पे कितना पानी आया हुआ है। सोना लाहौर डूब रहा है, चले हम सियालकोट से आगे पहुँचाते हैं इसको। हम पहुँच गए हैं शोकाथाना वाले ओवर हेड ब्रिज बन गया। पहले यहाँ पे सिग्नल होता था, सिग्नल अभी भी नीचे होगा। तो ये UCP है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पे ब्रिज के साथ आगे शोकाथानम, जहाँ से हम सीधा जाएंगे आगे अल्लाह गोल चक्कर होता था। हालांकि चक्कर गोल ही होता है, चक्कर चौरस तो हो नहीं सकता। तो उसका नाम अल्लाह गोल चक्कर था। वहाँ तक वहाँ से फिर लाहौर में अगर जाएं तो नहर ना आए बीच में, ये तो हो नहीं सकता। फिर आगे नहरों नहर था, यह तो अब चौक था बाद में, अब चौक भी ख़त्म हो गया, आप उन्होंने ख़त्म कर दिया सब कुछ, सिर्फ सीधा रास्ता है। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे मुड़ सकते हैं, आगे ये आ गया है शॉप चौक। क्योंकि लाहौर में मैं रहा हूँ 4 साल 5 साल, तो बाइक पे काफ़ी यहाँ पे घूमे फिरे, हर रोड का ऑलमोस्ट पता है। अंदरून के रोड्स का नहीं इतना पता, लेकिन जो बाहर जितने भी रोड हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हमने सफ़र किया, या सफ़र जो मर्जी समझ लें। लेकिन अलहमदिल्ला लाहौर का सफ़र जो था, जो लाहौर में जितना टाइम गुजारा बहुत अच्छा गुजरा, अभी तक लाहौर याद आता है। तो जब भी मौका मिले तो लाहौर आ जाते हैं। ये सामने सिग्नल है, ये शॉप चौक। राइट साइड को जाएंगे तो अकबर चौक में चले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो जिन्ना हॉस्पिटल आ जाएगा, और हम चलते हैं जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ। तो वहाँ पे अजय नहर नार, वो नहर से चल के दसा ले जी, हम नहर पर आ गए हैं। ये जी लाहौर में तो नहर ज़रूर आती है रास्ते, ये नहर आ गई राइट साइड में, हमारे नहर है लेफ्ट साइड में, पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है। वैसे बहुत ही प्यारा रोड है ये, मैंने कहीं पढ़ा था फेसबुक पे या कहाँ पे काफ़ी पहले, कि एशिया की जो खूबसूरत सड़कें हैं लोकेशन वाइज उनमें ही आती है सड़क, क्योंकि दरमियान में नहर, उसके बाद दरख्त है, उसके बाद सड़क के बाद फिर दरख्त है, उसके बाद फिर सर्विस रोड आता है यहाँ पर, और उसके बाद फिर दरख्त है। ये सब्ज़ा भी यहाँ पे काफ़ी है, हरियाली है, दरख्त वगैरह काफ़ी है। अभी ये 3 लेन हो गई है, और चौथी वो बाइक्स के लिए, जब हम लाहौर रहते थे उस वक्त 2 थी, और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता था। अभी तो रश तो अब भी शायद पड़ जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम पे आज तो वैसे ही बारिश आई, शायद थोड़ा पड़े इतना रश। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं उस मार्केट में जहाँ से हमने लेना था कपड़ा। तो अभी गाड़ी कहीं पार्क करते हैं साइड पे करके, तो कपड़ा लेते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का कपड़ा है। ये सर्विस रोड पे आ गए हम, सर्विस लाइन यहाँ पे आने जाने दोनों के लिए यूज़ होती है। ये प्लाजा, यहाँ पे मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं इस प्लाजे के अंदर। ये जो लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही है कपड़े की दुकानें, और ये गोदाम है, यहाँ पे नीचे भी हैं, बेसमेंट में भी हैं, बेसमेंट में वो दुकान है, यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं गाड़ी, ये पार्किंग। अब हम चलते हैं दुकान में। ये कपड़े की दुकान है, नीचे भी हैं, साथ भी सारे प्लाजा यही हैं, लेकिन अभी मार्केट बंद है, पता नहीं हम जल्दी आ गए, वैसे तो 12 बज गए, लाइट भी बंद है यहाँ पर। हम पहुँच गए यहाँ पर कपड़ा लेने। ये दो कपड़े अब मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर ही होता है, फैक्ट्रीज़ में से आता है ये ब्लैक। हर दफ़ा उस तरह की सेम चीज़ें नहीं मिलती, थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता होगा उसमें जब हम चेंज करते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है ना उसमें, 19-20 का फ़र्क आता है। हाँ फ़र्क आता है। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा लें,
ये पहले से हमारे पास जो इसके अंदर कुछ थोड़ा स्लब था वो ना लाइनें थी, लेकिन अभी ये मिल रहा है, इसके अंदर लाइन्स वगैरह नहीं है। लेकिन ये कपड़े मैं और भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पड़े हुए हैं ये देखें, ये शर्ट्स बनती हैं इनकी, जो ड्रेस शर्ट यहाँ पे लोग बना के सेल करते हैं। ये सब फैसलाबाद का बना हुआ कपड़ा है, बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो बनता है लेफ्ट ओवर, ये पता नहीं ब्रांड्स का बनते हैं। ये देखें कितने कितने प्यारे कलर पड़े हुए हैं, डिज़ाइन पड़े हुए हैं यहाँ पे। फाइनली एक हमने चूज़ कर लिया, देखते हैं, और ये है डबल माइंडेड यू में कि इसमें से कौन सा लेना चाहिए था। दो तीन थे यहाँ पे, पुराना हमने ऑर्डर एक बना के भेजा था 50 पीस का, लेकिन उसमें से कोई पीस मिला नहीं था हमें, ना उसका कोई स्वैच मिला था। अब ये भाई साहब नाप के दे देंगे, 45 गज कर दें, मूसा फैब्रिक है यहाँ बेसमेंट में शादमान मार्केट में। हाँ मुझे लगा खुलगा 10 बजे खुलता होगा, मैं तो भी आया हूँ 12 बजे के बाद। अच्छा नहीं मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं तो रात को आ गया था लाहौर में मामू के घर, तो अभी मैंने कहा चलो सुबह उठ के चलते हैं। ये सदाम भाई इसकी क्वालिटी बता रहे हैं कपड़े की, ये कौन सा होता है? तीस, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा सदाम भाई है, ये मूसा फैब्रिक है शादमान मार्केट में है। अब इसका फैब्रिक आप देखें 40-40 क्वालिटी में है। ओह वाह बहुत ज़बरदस्त है, ये ड्रेस शर्ट जिस तरह बनती है ना वो उस तरह का कपड़ा है, इसमें सारे डिज़ाइन आप, ये डिज़ाइन है सारे, कम से कम 8 डिज़ाइन आते हैं। सही, ये पूरी मार्केट तकरीबन जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो तकरीबन कोई 3-4 घंटे लगा के, तो उसके बाद मुझे ये जो दुकान मिली थी यहाँ पे सबसे अच्छे कपड़ा मुझे मिला था और सबसे अच्छी क्वालिटी भी मिली थी। ये देखें ये कॉटन है, आप ये सूट भी बना सकते हैं इसमें, अपना जो शलवार कमीज भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। और इनके पास क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी लगी थी वो इनके पास ही मुझे मिली थी, मूसा फैब्रिक शादमान, ये मूसा फैब्रिक शादमान मार्केट में। फाइनली जी हमारा ये कपड़ा नाप के उन्होंने कटिंग कर दी, अब हम निकलते हैं। ठीक है सदाम भाई, बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ये बिल बाहर निकल रहा था तो अभी सीन देखा, देखिए कितना प्यारा सीन है, बिल्ली है अपने बच्चे को कैसे उसके ऊपर बाजू रख के तो सोई हुई है। ले लिया हमने, जा रहे हैं अब गाड़ी की तरफ, बारिश हो रही है अभी, मौसम बहुत अच्छा है इधर, जिन दिनों में मैं आया हूँ गर्मी है अभी, तो मौसम का बड़ा मसला होता है यहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी तो देखें बारिश हो रही है। रख दिया जी कपड़ा, तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।